और मैं सीरीज बना रहा हूँ कश्मीर ट्रिप का, जहाँ से हमारा प्लान है कि हम कश्मीर कटरा में वैष्णो देवी मंदिर, कश्मीर, सोनमर्ग, जम्मू, श्रीनगर, मतलब ये जो लोकेशन से वहाँ पे हम ट्रैवल करेंगे। परसों के दिन डे आफ्टर टुमारो हम जाएंगे पहलगाम और वहाँ पे हमारा दो दिन का स्टे रहेगा। हम श्रीनगर में दो दिन के लिए स्टे कर रहे हैं और हाउस बोट के अंदर एक दिन के लिए स्टे करेंगे। तो कल मैं गया था गुलमर्ग के अंदर हमने किया था फेज़ वन और फेज़ टू। आज हमारा प्लान है हम सोनमर्ग जाने वाले हैं। सोनमर्ग यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स फार अवे है। अभी एक्सपेक्टेड है कि 2 से 3 घंटे हमें सोनमर्ग जाने के लगेंगे और सेम 2 से 3 घंटे सोनमर्ग से आने के लिए लगेंगे। अभी एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री है। रात को वहाँ पे -6 डिग्री टेम्परेचर था। प्लानिंग है कि हम 0 पॉइंट भी कवर करने वाले। 0 पॉइंट वो जगह है जहाँ से लेह लद्दाख की कनेक्टिविटी मिलती है। लेह वहाँ से केवल शायद 14 या 15 ऐसा कुछ किलोमीटर डिस्टेंस में है। तो अभी देखते हैं वहाँ पे कितने का टेम्परेचर रहता है और क्या प्लान रहता है। बाकी साथ में अपडेट में देते रहूँगा। चलो, हम लोग होटल से करीब 9 बजे ब्रेकफास्ट करके सोनमर्ग के लिए निकल पड़े हैं। श्रीनगर से आप गुलमर्ग जाए या सोनमर्ग, यहाँ का नज़ारा मन मोह लेता है। रोड के दोनों साइड सुंदर सुंदर घर और कुछ देर आगे जाने के बाद बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाई देते हैं। हरे भरे सरसों के खेत देखकर तो मन तो यह कह रहा था कि मैं यही रह जाऊं। और यार, नज़ारों के बारे में क्या ही कहना, इन्हें डिस्क्राइब करना मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। एज ऑफ लाइक मेरे पास शब्द ही नहीं है इनको डिस्क्राइब करने के लिए। देखिए पहाड़ों पर कितनी बर्फ जमी हुई है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पूरे बर्फ से ढक से गए हैं। जैसे हम सोनमर्ग के करीब आते जा रहे थे, रोड के दोनों साइड करीब करीब 10 से 15 फीट बर्फ जमी हुई थी। ये देखकर मुझे जब वी मेट का गाना याद आ गया, जिसका नाम था ये इश्क हाय। उसकी शूटिंग भी शायद ऐसे ही किसी लोकेशन पे हुई होगी। जो सीधा रास्ता था वो एक्चुअल में टूरिस्ट व्हीकल के लिए था, पर जहाँ से हमें जाना अलाउ किया गया वो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए था। पता नहीं क्यों हमें वहाँ से नहीं जाने दिया। जब मैंने राइट साइड पे गाड़ियाँ जाती देखी तो मैंने सोचा यार इनका रास्ता कितना अच्छा दिख रहा है। लेकिन तब हमारे ड्राइवर ने कहा कि दोनों ही रोड सिमिलर से है। वो लोग भी जो उस साइड से जा रहे हैं वो भी ये सोच रहे होंगे कि हम जिस रोड से जा रहे हैं वो कितना सुंदर दिख रहा है। और कार में यूं ही फ्री बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि दिसंबर के मंथ में यहाँ पे क्या ही नजारा होता होगा। एंड ऑल्सो इन लोगों की लाइफ जो यहाँ पे आगे आपको दिखेंगे बर्फ हटाने हुए, अगर ये लोग की लाइफ भी कितनी हार्ड रहती होंगी। चाहे कितनी भी ठंडी हो, इन्हें रोज टाइम पे आके बर्फ हटाने का काम करना ही पड़ता है। बिकॉज अगर ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे, या मतलब कहने का मतलब यह है अगर ये लोग यहाँ पे हैं तभी तो हम इतना अच्छे से ट्रेवल कर पा रहे हैं। सो अब हम सोनमर्ग पहुंच चुके हैं। मुझे सडनली बहुत एक लाउड सी नॉइज आई। मैंने सोचा कि ये क्या चीज़ है जो इतनी जोरदार आवाज कर रही है। मैंने ऊपर देखा तो रियलाइज किया कि ऊपर से एयरफोर्स के फाइटर जेट्स आ रहे हैं। इधर ही आसपास मे बी मोस्ट प्रोबेबली श्रीनगर में ही एयरफोर्स के बेस भी है। देखो तो अभी मैं अराइव कर चुका हूँ सोनमर्ग में। सोनमर्ग में अच्छी खासी बर्फ है। सबसे मेन बात एक्सपीरियंस बाद में बताऊंगा, जो मेन प्रिकॉशन है मैं वो सबसे पहले बताऊंगा आपको। देखिए आप सोनमर्ग में किसी कहीं वहीं से आएंगे आप, ये देखिए मेन रोड जो है ये चल रहा है। वहाँ पे जो एंट्रेंस है इधर अंदर आने का वो है बीइंग ह्यूमन रेस्टोरेंट। अब आपको क्या करना है, पाओगे तो आपको 1.5-2 किलोमीटर पहले से सब रेजिडेंशियल एरिया, होटल, ये सब दिखना चालू हो जाएगा।
अब उसके बाद में आपको शुरुआत में ही देख लेना, आपको जो बूट्स वाले हैं, बूट्स जो आपको सर्विस दे रहा है, वहाँ पे रुक जाना है, आपको इधर इतने अंदर तक नहीं आना है। बाकी उसके अलावा मज़ा तो बहुत आ रहा है। अभी अभी दो दिन फाइटर जेट्स भी मिला है, ये देखो ये आर्मी का हेलीकॉप्टर, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे मेरे फ़ोन में कुछ नहीं दिख रहा है। फाइटर जेट्स भी बहुत सारे गए थे, 3-4 गए थे अभी यहाँ से। तो एज ऑफ नाउ पूरी बार्गेनिंग करने के बाद में हमें जो ग्लेशियर पॉइंट है आखिरी तक, कुछ जो भी 4 पॉइंट है मैं वो आपको ऐड कर दूंगा, वो इंक्लूड करके हमें 1100 है फोर पैसेंजर्स का, मतलब 4 लोगों का 1100 है। उसमें बूट्स इंक्लूडेड है, बूट्स इंक्लूड हो जाएंगे, स्वेटर जो इनकी जैकेट है वाटरप्रूफ वो भी इंक्लूडेड है, कैप इंक्लूडेड है, और जो स्लेज रहेगी इससे ये आपको खींच खींच के आपको आखिरी तक लेके जाएंगे, लेगी पूरी ग्लेशियर से आखिरी तक। तो जैसा कि यहाँ पे थोड़ा स्लोप ज़्यादा है, आप स्लेज करोगे तो आपको 2 मिनट के लिए उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी खींचना, तो आपको 2-3 मिनट थोड़ा प्लेन जब तक नहीं आएगा तब तक थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत तो बहुत लगती है इसके अंदर, थोड़ा आपको भी समझना पड़ेगा, थोड़ा वॉक कर लो थोड़ा। ये देखिए आगे थोड़ा स्लोप है, वो स्लोप आप कवर कर लो फिर से बैठ जाओ, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीनरी तो देखो बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार सीनरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा पैसा वसूल रहेगा। हमारे गाइड ने हमें बताया कि इसी लोकेशन पे बजरंगी भाईजान की एंड सीक्वेंस की शूटिंग हुई थी। आपको जो फैंस दिख रही है ना, उसे एक्चुअल में मूवी के अंदर इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर दिखाई गई थी। ये इस टाइप से इधर पूरी स्नो एक्टिविटी होती है, इधर आपको आज के टाइम ये देखो योग भी मिल जाएगा आपको, कभी आपको इंटरेस्ट हो तो आधे टाइम में आपको पूरा बताऊंगा। हमारे गाइड ने हमें बताया कि इसी लोकेशन पे बजरंगी भाईजान की एंड सीक्वेंस की शूटिंग हुई थी। आपको जो फैंस दिख रही है ना, उसे एक्चुअल में मूवी के अंदर इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर दिखाई गई थी। तो करीब करीब 2 आवर्स तक, 2 घंटों तक स्लेज वाले भैया का दिमाग खाने के बाद और बहुत सारा एंजॉय करने के बाद हम पॉइंट ए से फिर से पॉइंट जीरो पे जा रहे हैं। फिर जब मैंने थोड़ा स्लोप देखा तो मुझे ऐसा लगा, पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा कि स्लेज वाले भैया को बोलता हूँ कि भैया मेरे को एक बार एक अच्छी स्पीड में ले जाके गिरा दो, पर यार लिटरली उन्होंने गिराया तो नहीं, पर हाँ स्पीड जाने में मज़ा बहुत आया। श्रीनगर फिर से जा रहे थे, तो बीच में जो वाटर जो आइस जो मेल्ट हो रहा है, ये सब नीचे का पानी, तो आप समझ सकते हो कि कितना कोल्ड होगा अभी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जस्ट अ सेकंड, इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड। तो अभी हम टेबल फॉर फोर सर्च कर रहे हैं, शायद अभी वैकेंट नहीं है, देखते हैं अभी कोई अरेंजमेंट हो जाए तो कोई। तो वहाँ पे पीछे एक टेबल ऑलमोस्ट वैकेंट होने वाला है, तो हम उसके लिए वेट करेंगे। तब तक यार मैंने देखो सोनमर्ग का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था शुरुआत में, देखो वीडियो में तो दिखाई गई शुरुआत में ना बहुत परेशान से कर रहे थे हमको, एक तो ठंडक में इतने रहने की आदत है नहीं, उसके अंदर हमें इतना परेशान कर रहे थे, हम थोड़े पजल से हो गए थे शुरुआत में, लेकिन फिर हम जैसे जैसे ऊपर जाते गए तो मतलब उनका बिहेवियर बुरा नहीं था, अच्छा बिहेवियर था, उन्होंने हमारी अच्छी फ़ोटो भी खींच ली। देखो होता क्या है ना, आप कहीं बाहर जा रहे हो, कोई आपकी आज के टाइम में इंस्टाग्राम और ये सब करंट सीनेरियो में अगर आपकी कोई इंस्टाग्राम के लिए अच्छी फ़ोटो खींच दे या स्टेटस पर डालने के लिए कोई अच्छी फ़ोटो खींच दे आपके लिए, तो मतलब आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। और ऊपर से उनका नेचर भी बहुत अच्छा था, 4 बंदे थे
उनका मैं नंबर ये सब भी आपको ऐड कर दूंगा, कभी आपको आना हो तो बिल्कुल इनके साथ आना। और मुझे पर्पल टी शर्ट वाले दिया गया, उनकी फोटो स्किल्स क्या मतलब मज़ा आ गया था, बहुत अच्छे तरीके से फ़ोटो खींचते वो। तो बिल्कुल आप, मैं नंबर ऐड कर दिया नंबर ये कोई नहीं, वीडियो में नंबर शायद नहीं लिया है, वीडियो में तो दिख ही जाएगा कि आप उनको चेहरे से तो पहचान ही लोगे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।